वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड वेलकम टू द क्लास टेन इंग्लिश ऑन फायर प्ले लिस्ट तो इंग्लिश ऑन फायर में एज यूजल हम लोग एमसीक्यू वन मार्क क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर्स करते हैं फुल टू रिविजन ऑफ ईच एंड ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ इंग्लिश तो हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का रिविजन कर चुके हैं जिसका बचा है वो तो ऑब्वियसली मैं आपको कराऊंगी बट आज से मैं लॉन्च कर रही हूं आपकी पोएम की सीरीज एज यू नो दैट मैंने सेवन डेज में आपका जो फुल सिलेबस कंप्लीशन है उसकी वीडियो डाल दी है बट आई डोंट थिंक सो आज बच्चों ने वो वीडियो देखी है शोर तो तुमने बहुत मचा आया था तो उस वीडियो का बट देखी है नहीं तो अगर नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लो आई टाइम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डायरेक्टली सेवन डेज में इंग्लिश लिटरेचर खल्लास कर सकते तो प्लस जो ग्रामर पोर्शन है उसकी वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगी इफ यू विल वॉज दैट तो सेवन डेज में विद इन टू पॉइंट फाइव आवर ऑफ स्टडी तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो आज से मैं आपका स्टार्ट करा रही हूं पोएम्स ठीक है तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सारी की सारी पोएम्स का डस्ट ऑफ स्नो से आज हम स्टार्ट करेंगे एंड uh, बिल्कुल ही रेगुलरली एक भी दिन बिना वेस्ट करे हम अपनी सारी की सारी पोएम्स को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ मैं आपको एम सी क्यू कराऊँगी शॉर्ट कराऊंगी एंड लॉन्ग जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू एम सी क्यू सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना हमारे लॉन्ग और लॉन्ग के ऊपर जो आपका वी बी क्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है वो मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगी सारी पोएम्स के कंबाइन आपको कराऊंगी यहाँ डिजिटल बोर्ड पे चल रहा होगा न टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो प्लस स्क्रीन शॉट नहीं लोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर पेश कर दूंगी पी डी एफ प्रोवाइड कर दूंगी तो अभी एमसी क्यू को खलास कर दो शॉर्ट क्वेश्चन को खलास कर दो जब हम पोएम सब कंप्लीट कर लेंगे फिर एक वीडियो में लॉन्ग आंसर सारी पोएम के एक साथ प्रिपेयर करेंगे चाहे वो वीडियो थर्टी मिनट्स के हो चाहे फोर्टी मिनट्स के हो तो होल प्लान तो मैं समझ में आ गया स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो के एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आज का इंटर लंबा था बट जब कल से हम तैयारी करेंगे पोएम्स की तो इंट्रो इतना लंबा नहीं होने वाला है ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द नेम ऑफ द पोएट डस्ट ऑफ़ स्नो किसने लिखी है ये पोएम सिल्विया पाथ डब्ल्यू बी हीस रॉबर्ट फ्रॉस रॉबर्ट वर्न तो आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस ने ये पोएम लिखी है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड डस्ट ऑफ स्नो इफेक्ट द पोएट वट हैपेंड इन द स्टोरी एक्चुअली हमें पता पोएम एक्चुअली तो डस्ट ऑफ स्नो जब उनके ऊपर गिरती है स्नो और को डस्ट क्यों बोला गया है पहले तो ये बता दो मेरे को बिकॉज जब वो क्रो उड़ के जाता है ना तो जो पत्ती होती है जो लीव्स होती है उस पर जैसे ना जमी हुई बर्फ पड़ी होती है बहुत हल्की सी तो जैसे आपके ऊपर धूल गिरती है कभी आप डस्टिंग करते तो ऐसे हो ऐसे धूल गिरती होगी वैसे ही जब वो कौआ उड़ के जाता है क्रो जब उड़ के जाता है तो वो डस्ट की तरह जो स्नो है उनके हाथ शोल्डर पे गिरती है डैट वाई ही कॉल्ड एट डस्ट ऑफ स्नो इतनी मोटी सी स्नो का पूरा बॉल नहीं गिरा था डस्ट गिरी थी ठीक है तो इट मेड हिम एनर्जेटिक इट चेंज हिज मूड इट मेड हिम सुपीरियर नन ऑफ द दबल तो वी ऑल नो दैट जो डस्ट हो उनके ऊपर गिरती है तो इट चेंज हिज मूड जैसे कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चिल्ला रहे हो और सामने से कोई जोक मार दे तो हमें हंसी आ जाती है एंड वो एंगर सारा वाइप आउट हो जाता है तो वैसे ही पोएट उस दिन पर बहुत परेशान थे और वो भी हमें स्टैंड में पता चला उनकी एक लाइन से दैट ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड बट जब हेमलॉक ट्री के ऊपर वो कौआ बैठते और वो उड़ के जाता है और वो जो डस्ट गिरती है उनके यहाँ पे तो उनका मूड अच्छा हो जाता है

इंग्लिश में हंड्रेड परसेंट आएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट तो क्या गिराता है डस्ट ऑफ थ्री डस्ट ऑफ गार्डन डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ लैंड तो हमें पता है इसका आंसर क्या है डस्ट ऑफ स्नो गिराता है नाउ देर इज ऑल्सो अ वेरी डीप मीनिंग इन द चैप्टर दैट ये जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है इसको नेगेटिव माना जाता है जैसे हम कहते हैं काली बिल्ली निकल के चली गई बुरा होगा कई लोगों के साथ अच्छा हो जाता है शीशा टूट गया बुरा होगा तो वैसे ही क्रोक और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव माना जाता है बट यहां तो पोएट का मूड खराब था और क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से बदल गया तो ये चीज ध्यान रखना दैट क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइजेस सौरो हैप्पीनेस सेलिब्रेशन डेथ तो ये सिम्बलाइज करते हैं सौरो को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्न इट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज डस्ट ऑफ स्नो प्रेजेंट अब डस्ट ऑफ स्नो प्रेजेंट क्या कर रही है तो हीलिंग पावर ऑफ़ नेचर पार्टिकल्स ऑफ स्नो कूल वेदर नॉल ऑफ द दॉ यू आर स्टार्टिंग इंग्लिश लिटरेचर गाइस लिटरेचर पढ़ रहे हो तो समझो डीप मीनिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट तो हीलिंग पावर ऑफ़ नेचर वो शो कर रही है जैसे उनके ऊपर जैसे देखा है यू आर नॉट हैप्पी वेन इट रेन्स यू फील काम ठीक है हम इरीटेट हो जाते हैं जब गर्मियों के मौसम में और बारिश आती है वी ऑल आर जॉयफुल तो वैसे ही जब जो नरेटर है परेशान होते हैं तो जब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो ही वॉज वेरी जॉयफुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेम द पोइटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट तो ये कौन सा पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन डन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड येस आई फोगेट टू टेल यू अगर तुम्हें चाहिए नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन दिस पी डी एफ तो आप मेरी इंस्टाग्राम आई डी को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है सी अंडर स्कोर सहानी वहां पर मैंने इंग्लिश का ही नहीं एस एस टी एंड साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स पेश करे हैं तो वहां से जाके इफ यू यूज इंस्टाग्राम यू कैन गो एन एक्सेस और बाकी जो तो बच्चे यूज नहीं करते हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में पेश करती हूँ तो अगर आप यूज करते हो तो जाके वहां से स्क्रीन इस वाले पी के भी ले सकते हो डन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वट अपलिफ्टेड हिज मूड उनके मूड को किसने अपलिफ्ट करा फॉलिंग ऑफ स्नो एन हिज शोल्डर द क्रो हेम ऑल ऑफ दिज शोल्डर अपलिफ्टेड हिज मूड नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज द पोएट कॉल इट इज डस्ट ऑफ स्नो ठीक है तो द स्नो पार्टिकल्स व टू टाइम ही दे केम ओवर हेम लाइक डस्ट दे फील लाइक डस्ट दे लुक लाइक डस्ट तो उन्होंने उनको डस्ट क्यों कहा जैसे मैंने बताया डस्ट इसलिए बोला बिकॉज वो बहुत पतली सी लेयर थी डस्ट स्नो uh, की बर्फ की इतनी पतली सी लेयर थी उसने उसको डस्ट ऑफ स्नो बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द टू नेगेटिव क्रीचर दैट फ्रॉस्ट यूज एज अ कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी तो जो हमारे फ्रॉस्ट हैं उन्होंने टू नेगेटिव क्रीचर्स को पॉजिटिव दिखाया तो so, सॉरी मैंने यहां गलत लिख दिया है हेमलॉक ट्री और क्रो को आंसर नंबर डी आंसर नंबर डी हेमलॉक ट्री ठीक है और जो क्रो है उसको जो पोएट है पोएट ने नेगेटिव क्रीचर्स की जगह दिखाया है कैरियर्स और पॉजिटिविटी क्योंकि वैसे फोकलोर्स में और यूजुअली बोला जाता है हेमलॉक ट्री और जो ये क्रो है वो नेगेटिव है बट पोएट ने कैसा दिखाया इनको पॉजिटिव तो ये देख लो ये नहीं है इसका आंसर इसका आंसर ये है डी हेमलॉक ट्री एंड ये क्रो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना अब आ गए हैं हम एक्स्ट्रैक्ट बेस क्वेश्चन पे तो हमने ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन कर लिए है टेन क्वेश्चन हमने एम सी यू कर लिया अब हम आएंगे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन पे द वे अब डाउन ऑन मी द टस्ट ऑफ स्नो ऑफ अ हेमलॉक ट्री डू टू द हेमलॉक ट्री तो इसमें यह बोला है दैट सडनली क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या करता है तो क्रो शूक डाउन इट यानी कि क्रो एकदम से उस पर से उड़ के जाता है वॉट वॉज देयर ऑन द ट्री एट दैट टाइम अब जब क्रोज के ऊपर से उड़ के जाते उस समय पे वहां पे क्या पड़ा था तो आपको एमसीक्यू में ये एक्स्ट्रैक्ट आएगा आपको लिखा है डस्ट पड़ी थी वॉटर पड़ा था या स्नो पड़ी थी तो आंसर क्या है देयर वॉज स्नो ऑन द ट्री एट दैट टाइम क्या था स्नो था अब एक कोई आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है वेयर डू यू थिंक वॉज पोएट एट दैट टाइम तो पोएट उस समय पे कहाँ थे ऑब्वियसली ही वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री तभी तो, तो उनके ऊपर बर्फ गिरी जब वो ट्री था ठीक है ये पोएट यहाँ पे खड़े हैं ये हमारे पोएट हो गए ये इसकी पेड़ की डाली पे यहाँ पे बर्फ थी और यहाँ पे बैठा था एक क्रो ये उड़ के जाता है और वो बर्फ पोएट के ऊपर गिर जाती है तो ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री तो ये इतने से फॉर्मेट में हमने पूरी पोएम समझ ली है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द पोएम एंड द पोएट तो पोएम कौन सी डस्ट नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट रॉबर्ट्रॉस नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव माई पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड तो यहाँ पे आप देख लो सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड इससे हमें पता चल रहा है दैट जो पोएट था उनका जो दिन था वो सोरोफुल था वो परेशान थे र्यूड मतलब यही है तो पहले पोएट परेशान थे बट बर जब बर्फ गिरती है तो वो हो जाते हैं हैप्पी ये चीज हमें यहाँ पे कंफर्म हो गई है ऑफ द डे आई हैड आईड जिस दिन को मैंने बेकार मान लिया था वो भी अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ ग्रो ठीक है तो लेट्स सी वट हैड गिविन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड तो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑन द पोएट हैड हिज मूड तो आपको एग्जाम में पता है ये आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में द फॉलिंग ऑफ डस्ट द फॉलोइंग ऑफ वाटर द फॉलोइंग ऑफ स्नो तो क्या है द फॉलोइंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इसका फुल आंसर होगा तो ऐसे ही आपको कंफ्यूजिंग आएगा ए ऑप्शन दे दिया जाएगा द फॉलिंग ऑफ डस्ट ठीक है बी ऑप्शन दे देंगे द फॉलिंग ऑफ स्नो ठीक है सी ऑप्शन दे देंगे द फॉलोइंग ऑफ वाटर ठीक है और डी ऑप्शन में आपको सही दिया होगा डस्ट ऑफ स्नो तो ये याद रखना ए बी सी डी ऑप्शन तीनों को ध्यान से पढ़ोगे ना डस्ट वाले पे करना है ना स्नो वाले पे करना है ना वाटर वाले पे करना है राइट क्या है फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ठीक है तो यहां तुम्हें समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वट हैड पोएट थॉट ऑफ दैट डे तो पोएट ने क्या सोच रखा था उस दिन के बारे में ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे बट द फॉल ऑफ द स्नो डस्ट चेंज हिज मूड तो ही सैड ऑन दैट डे बट डस्ट गिरने से स्नो की डस्ट गिरने से वो खुश हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज डे सेव फॉर द पोएट अब कैसे बच गया दिन ही स्टॉप डूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज बिकॉज उनका मूड चेंज हो गया सब कुछ हमारे मूड पर ही तो डिपेंड है तुम सोच रहे हो खुद को मैं बुरा फील कर रहा हूँ कर रहा हूँ बट नहीं इफ यू स्टार्ट फीलिंग दैट नो आई एम हैप्पी तो यू विल फील हैप्पी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस चैंडा ए बी ए बी तो एक बार इसको देख भी लेते हैं कैसे राइम स्कीम अगर हमें ढूंढनी हो एग्जाम में तो कैसे ढूंढते हैं हार्ट है हमने हार्ट पे लिख दिया ए हार्ट मूड मैच नहीं कर रहा है तो यहां मूड पे हम लिख देंगे बी हार्ट मूड अब हार्ट पार्ट मैच कर रहा है हार्ट पार्ट तो इस पर अभी हम क्या लिखेंगे ए और मूड र्यूड मैच कर रहा है मूड रूड, रूड राइम कर रहा है मतलब तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई ए बी ए बी ठीक है लेट्स सी द आंसर क्या है आंसर ये रहा ए बी ए बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द पोएट एंड वॉट हैपन टू हिम ठीक है तो द पोएट वॉज अंडर अ हमारे ये क्या है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अब अपने स्टार्ट कर दिया अब हमने के एम सी क्यू कर लिएस्ट्रैक्ट कर लिया अब हम क्या करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन डन तो अब हम करेंगे अपने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं वेयर वॉज द पोएट एंड वॉट हैपन टू हिम द पोएट वॉज अंडर अ हिम लॉक ट्री एंड देयर वॉज अ स्नो एवरीवेयर और उस पर स्नो थी द ट्री वॉज कवर्ड विद स्नो सडनली अ क्रो शूग द ट्री क्रो जो है हिला देता है ट्री को मतलब कि उड़ के एकदम से उसके ऊपर से जाता है तो वो हिल जाता है द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट एंड इट चेंज हिज मूड इतनी सिंपल लैंग्वेज में भी आंसर लिखोगे हंड्रेड मार्क्स मिलेंगे तो से फुल मार्क्स मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज द पोएट्स मूड वर्ट ब्रॉडस्ट सडन चेंज इन इट यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो इन्हें प्रिपेयर करो द पोइट वॉज इन अ बैड मूड ही कंसिडर दैट हिज डे वॉज डिंड बट द्रो शूग द ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हेम हिज मूड चेंज एंड द रेस ऑफ डे वॉज सेव्ड फॉर हेम और उनका मूड चेंज हो गया और रेस ऑफ द डे बच गया तो यहाँ देख रहे हो आप इतनी ईजी लैंग्वेज के नोट्स है अब इसमें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टू क्वेश्चन देखते हैं हम अपने और ये वीडियो हो जाएगी फिर एंड वट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम हाउ डज इट चेंज्ड ठीक है द द सौरफुल एंड मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम ठीक है द यूज ऑफ द बर्ड क्रो विच इज अगली एंड हार्श हेमलोक ट्री विच इज पॉइजनस प्लांट रिफ्लेक्ट द पोएट स्मूथ ठीक है तो यहाँ पे देखो जो क्रो है और जो हेमलोक ट्री है ये भी सिम्बल है सौरों के सैडनेस के और नेगेटिविटी के तो एक इन चीजों से भी हमारा जो पोएट का मूड है वो दिखाई दे रहा है तभी उन्होंने पोएम में से यूज़ करा है बट पोएट ने उसको पॉजिटिव शो करा है कि नेचर की हर एक चीज में जो है हीलिंग पावर होती है ठीक है तो दो सौरोफुल मूड उनका कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा दैट उन्होंने एक हमें ये भी बताया दैट हिज डे वॉज रूड प्लस ये जो उन्होंने डिवाइजिज यूज़ करे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर दस्ट ऑफ नो फॉल ऑन हिम ठीक है तो बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट दैट हिज डे वॉज डून ही वॉज इन अ बैड मूड बट देन द डस्ट ऑफ स्नो वैन फेल ऑन एम इट्स सिग्नल्स समथिंग गुड एंड जॉयफुल एंड हिज मूड चेंजड तो आप इस तरीके से लिख सकते हो मैंने यहाँ signaled वर्ड निकाल से शो करा है दैट उनको ऐसा फील हुआ सो इन सिग्नल समथिंग गुड एंड जॉयफुल जैसे बर्फ गिरी उनके ऊपर एंड देन हिज मूड वॉज चेंज्ड तो आप इस क्वेश्चन uh, को ऐसे भी लिख सकते हो तुम्हारी अपनी लैंग्वेज है तो वैसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जो इंपॉर्टेंट है ठीक है अब जो लॉन्ग आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ एक्सट्रैक्ट भी हो गया हमारा और ये सारे के सारे एम सी क्यू क्वेश्चन भी हो गए हैं सो विथ दिस वी आर रेडिंग टू दिस वीडियो नाउ आई एल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन मा क्वेश्चन एम सी क्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन सो बी रेडी टू लर्न दैट पोएम ऑल्सो और अगर तुमने इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके डिटेल एक्सप्लेशन वीडियोस को देखो उसके बाद इंग्लिश ऑन फायर एंड प्ले को रेफर करो एंड देन बैंग बैंग हंड्रेड मार्क्स इन इंग्लिश और इंस्टाग्राम चलाते हो तो जाके वहाँ से आप मेरे नोट्स ले सकते हो ओके सो अगर आपकी डिमांड है कि मैं कोई पोएम पहले पढ़ा दूँ से यू कैन टेल मी लाइक बॉल पोएम कस्टर ड्रागन अगर आपके प्रीबोज है तो अदवाइज विल गो इन ए फ्लो सो लेट्स इन द वीडियो बेस्ट ऑफ ऑफ फोर बोर्ड एक्जाम एंड नाई मीट यून द नेक्स वीडियो